Where is J-Man? He's on the way. Hi. नहीं 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 नहीं, शायद तू मुझे जानता नहीं है। तू एक बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा है और नाम है राहुल। अरे ये तो जानता है, फिर भी तेरी ये जरूरत। जब अपने मुल्क की लड़की अनजान मुल्क में आपसे मदद मांगे तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है दोस्त। क्या मुझ पे हाथ उठाएगा? उससे मसला हल नहीं होगा और उलझ जाएगा। कुछ पल बैठ कर बात करते हैं, हल निकल आएगा। यू लगता है तेरे इन भाड़े के टट्टुओं को मेरी बात समझ में नहीं आई। समझाने की शुरुआत करूंगा मैं इस चिकने से। एक पंच पड़ते ही ये हवा में उड़ेगा और ठीक 5 सेकंड बाद जमीन पर गिरेगा। इससे उस हीरो को जोश आ जाएगा। वो मुझ पे हमला करने आएगा और मैं उसे एक किक मारूंगा और वो उड़ता हुआ जाके दीवार पर टकराएगा। अब पीछे खड़े इस बॉडी बिल्डर का खून उबाल मारेगा। इसमें ताकत तो भरपूर है लेकिन ये नहीं जानता कि जंग जीतने के लिए दिमाग की जरूरत भी होती है। बस एक हाथ और इसका खेल खत्म। उसके बाद तेरे बाकी के लड़के बिना सोचे समझे मुझ पर हमला करेंगे। तुझे लग रहा होगा कि मैं सिर्फ बातों का शेर हूं, देखना चाहता है कि शेर में कितना जिगरा है। मेरी एक लात पड़ते ही तेरी गाड़ी का ये हश्र हो गया, आप सोच ले तेरा क्या हाल होगा। इसलिए कह रहा हूं मारा मारी छोड़, प्यार से बात करते हैं। नफरत हटाओ, प्यार जगाओ, क्या बोलते हैं? क्या हुआ दोस्त? उसने ऐसा क्या कहा? प्यार दो। Oh no, he's gone crazy. शुक्रिया, मैं हूँ मानसा। हाय, मेरा नाम जय है। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या अनहोनी होती। भूल जाओ, तुम मुंबई से हो ना? नहीं, मैं कोलाड से हूँ, हैदराबाद से कुछ ही दूरी पर है। अच्छा, कोलाड। एनीवे, जो हुआ उसे जहन से निकाल दो और आगे बढ़ो। गुड नाइट, कीप स्माइलिंग। तुझे उस लड़की से मुलाकात किए एक हफ्ता हो चुका है, फिर भी उसके ख्यालों में खोई हुई है। उसे अपने जहन से निकाल दे, लड़कों को तो तू जानती ही है। अगर गलती से उसके सामने आ गई ना तो पहचाने का तक नहीं। लड़कों की तो फितरत ही ऐसी होती है, मत सोच उसके बारे में। ये वही है
अरे तुम यहाँ? तुम क्या यहीं कहीं रहती हो? उस रात मैंने तुम्हें रात में अंधेरे में कहाँ छोड़ा था मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। और तुमने मुझे शुक्रिया भी कहा था। यस। और तुमने क्या नाम बताया था अपना? मानसा। मानसा राइट? वाह, इसे कहते हैं कोइंसिडेंस। मेरी बाइक ठीक तुम्हारे घर के सामने आके बिगड़ती है। इत्तेफाक है ना? अजीब इत्तेफाक है। हाँ कौन? ओ एक मिनट भाई। तो कैसी हो तुम? अच्छा मजाक कर लेते हो, बाइक तो ठीक है। अरे यार हाँ कभी कभी हो जाता है ऐसा। ये भी इत्तेफाक है। अक्सर ऐसे इत्तेफाक तो होते रहते हैं। Hi, beautiful, I'm Jay. पता है तुम्हारा नाम जय है, इसने बताया था तुम हो मिस्टर प्यार दो प्यार लो। मतलब तुमने इनसे मेरा जिक्र कर दिया? That's so sweet of you. कॉफी? जाओ, ये बाकियों की तरह नहीं है, तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गया। Come on, girls. देखो अब तो बाइक भी ठीक हो गई है। किसी और दिन। ये जय है ना? हाँ। hey, ये तो अभी तक यही है। हाय हाय गर्ल्स। इतनी गर्मी में कॉफी कौन पीता है? मैं भी ना। हाउ अबाउट अ डिनर? क्यों ना हम डिनर का लुत्फ उठाएं? माफ करना जय, मुझे शॉपिंग करनी है और घर की सफाई भी करनी है, तो किसी और दिन मिलेंगे? किसी और दिन? बेबी दिन तो यही है। सुषमा तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने तुम्हें उसे वहां रखने के लिए कहा था। मानसा आती होगी। मानसा, अरे तुम कहाँ रह गई थी? देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, मैंने पूरे घर को चमका दिया है। तुम जाकर रेडी होकर आओ, उसके बाद हम तुम्हारा पसंदीदा पनीर टिक्का खाएंगे। माफ करना मानसा, इसने कहा कि मैं घर साफ कर दूंगा, बदले में मुझे मानसा के थोड़े सीक्रेट्स बताना, तो मैंने थोड़ी सी सीक्रेट्स बता दी। हाँ, तुम्हें खाना खाना पसंद है, घूमना पसंद है, डांस करना पसंद है और AR रहमान का म्यूजिक पसंद है, कसम से और कुछ नहीं पता। चलो कम ऑन, तैयार हो जाओ, बहुत भूख लग रही है। ला जवाब डिनर था। गुड नाइट, बाय बाय। तुम कल क्या कर रही हो? कल हम सब लोगों का बीच पर जाने का इरादा है, अगर तुम्हारा मूड हो तो तुम भी आ सकती हो। हाँ समझ गया, किसी और वक्त। ठीक है कोई बात नहीं, कल मैं सुबह तुम्हारे घर के पास से निकलूंगा, अगर तुम्हारा दिल करे तो आ जाना सुबह 7 बजे। बाय बाय। मजा आया? नहीं जय, सबसे हसीन लम्हा। काश ये लम्हा यहीं ठहर जाए, क्या ऐसा हो सकता है? यकीनन हो सकता है मानसा, क्योंकि हमारे फैसले हमारे ही हाथों में होते हैं। ऐसा नहीं है जय, मेरी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में है, मेरा परिवार, मेरा गांव, वहां का माहौल बहुत अलग है। लड़ाई झगड़े के सिवा उन्हें कुछ नहीं आता, प्यार मोहब्बत रिश्तों की अहमियत उन्हें कुछ पता नहीं। मेरे लिए इतना ही काफी है कि पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने मुझे इंडिया के बाहर भेजा। इस ख्वाहिश को मानने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो मेरी किसी भी और ख्वाहिश को पूरी करेंगे, लेकिन तुमसे मुलाकात के बाद पहली बार मुझे समझ आया कि असल में खुशी होती क्या है, लेकिन ये खुशी मेरे नसीब में नहीं है। तो खुश रहने में तकलीफ ही क्या है मानसा? जब तक तुम मेरे साथ हो मैं खुश रहूंगी, लेकिन मैं ये खुशी अपने साथ घर नहीं ले जा सकती। मैं ऐसे सपने कतई नहीं देखना चाहती जो सच नहीं हो सकते। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकती, दोबारा आप मुझसे मिलने की कोशिश मत करना।
आज के जमाने में तो लोग विदेश पढ़ने जाते हैं, लेकिन तुम वहां से यहाँ पढ़ने आए हो। दास्तान थोड़ी लंबी है सर। रुक रुक अरे मैं मेरा रोल नंबर भूला तो तुझे बताना चाहिए था ना। इससे बच के रहना, यहाँ पर इसका राज चलता है। पिछले हफ्ते इसने मुझे भी बहुत मारा था। अगली बार रोल नंबर भुलाना तो तेरा रोल काट दूंगा। ये पूर्णा की धांधली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कॉलेज से अपना रुसूख बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब तो उसका टकला फोड़ना ही पड़ेगा। ए लल्ले, तू गल्ले से चिल्लर निकाल और बाबू भाई की दुकान से तलवार खरीद डाल। आज उसकी मुलाकात मौत के फरिश्ते से करवाएंगे। और उसका गेम बजाने के बाद वेकेशन पे जाएंगे और वहां जाकर तो कौन है बे? अबे कोई भी हो, होता रहे हमको क्या? पूर्णा को मैं देख लूंगा, उसे मेरे हवाले कर दो। ए, मैं उसका टकला फोड़ने आया हूँ और फोड़ के ही जाऊंगा। तू सिर मत घुसा। नहीं 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 नहीं, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। एक मिनट रुको। सिक्का, जो भी टॉस जीतेगा पूर्णा उसका हुआ। ए, पूर्णा कोई ट्रॉफी है जिसके लिए टॉस उड़ेगा? पूर्णा सिर्फ मेरा। आटे की बोरी, जरा शांति रख। चले काम करते हैं, हम दोनों मुकाबला करते हैं। जो जीतेगा वो पूर्णा का ढोल बजाएगा। अब जब मैं जीत ही गया हूँ तो मुझे मेरा इनाम लेने दो। तुम्हें देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि तुम इतनी अच्छी धुलाई करते हो। तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ, पूरे स्टेट पर राज करेंगे, बता रहा हूँ। पूर्णा तुम्हारे हवाले, हम चलते हैं। खत्म, माफ दिल पे मत लेना। अबे सिक्का निकाल के जेब में डाल, होश आएगा तो फकीर को दे डाल। अरे दोस्तों, हुकम भाई, कल कहीं पूर्णा को छोड़ के मेरे पीछे मत पड़ जाना। इतना वक्त का है भाई, लिखा पढ़ी का काम है, बिजनेस कौन संभालेगा भाई अपना। अबे ओए, वो बुझते वो दिए को साथ उठा के चल, इधर ही बुझ गया तो अंधेरा हो जाएगा। शुक्रिया दोस्त, कल कुछ ज्यादा ही नशे में था। अगर तुम हिफाजत नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। ये वही शख्स है ना? इन्हें क्या पता होगा, ये तो खुद टल्ली थे। वैसे यार तुम भी लाजवाब हो, तुम जानते थे कि वो तुम पे हमला करने वाले हैं, फिर भी तुम नशे में धुत हो गए। और बॉयज, कम से कम तुम तो होशियार रहते। होशियार होते तो दारू थोड़ी पीते। अगर भाई को टच भी किया ना तो मिक्सर में डाल के पीस डालेंगे। बाल भी बांका नहीं कर पाते। उन्हें तो इस खौफ में जीना चाहिए कि पूर्णा उन पे हमला करने वाला है। ऐसा खौफ कि उनकी पैंट गीली हो जाए, उनका उठना बैठना सोना सब हराम हो जाए। हमें यही तो चाहिए। तुम्हें अपना स्टाइल थोड़ा बदलना चाहिए। कोई तकलीफ है? मुझे अभी तक हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिला है। ठीक है, मेरे साथ चलो। चलो चलो। को अंदर बंद करके ताला मार लो, आग भी लग जाए तो दरवाजा मत खोलना। ये देखो मेरी इतनी बड़ी हवेली है और ये यहाँ बैठ के नाखून काट रही है, चल अंदर जा। अरे मर गए, हैवान आ गए, चल चलो अंदर जाओ। अरे जल्दी जाओ अंदर। और वीर प्रताप दफ्तर जा रहे हो? ये मेरा जिगरी दोस्त है जय, इनसे मिलो, ये बहुत मान हस्ती है। वीर प्रताप नहीं, गंभीर प्रताप हूँ। वीर प्रताप कभी हुआ करता था, वीर को तीर से काट दिया और सिर्फ अभी प्रताप ही प्रताप रह गया। तो चल अदरक वाली चाय पिला। चाय? अब मेरा दफ्तर जाने का वक्त हो रहा है भाई। चाय मैं बना दूंगी, आप दफ्तर चले जाइए। इरशाद फरमाइए। चाय मैं बना दूंगी, आप दफ्तर चले जाइए। चाय क्यों, क्या मैं यहाँ पे बिरयानी बनाऊंगा, कॉफी बनाऊंगा? भटियारे का काम मैं पहले से करता था, इनके लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। बस तू अंदर जा, अंदर जा, बोला ना, जाती कि नहीं? चल। कमोड के पास जगह खाली है, उधर ही बिस्तरा डाल। ये अपना खास है रे, एक काम कर, तू अपना डेरा वहीं डाल ले। इसकी तो जाए जाए जाए। थैंक यू।
पूर्णा भैया पैर हटाइए, चाय रखनी है। ये तो अपने साथ टेम्पो भर के सामान लेकर आया है, खाने पीने और नहाने धोने सुखाने का एक्स्ट्रा लगेगा ना भाई। एक्स्ट्रा का इसका खर्चा भी तू ही देगा। अरे कोई भी चीज खाली जा रही हो और अगर तुम चढ़ गए तो तुम्हें सवारी के पैसे तो देने पड़ेंगे ना मेरे भाई, तो यहाँ भी जीएसटी के साथ पैसे लगेंगे। अरे प्रताप हा? कल मेरा जन्मदिन है, जश्न होगा, अपनी साली को लेकर आ जाना। जो हुकुम सरकार, ले आऊंगा। सालगिरह मुबारक हो भाई, पूरे खानदान का विश कर दिया, विश करने की जरूरत नहीं। हैप्पी बर्थडे पूर्णा। सॉरी धक्का दिया नहीं, कोई धक्का लग गया। थैंक यू। चल निकल, इसे खेलना नहीं आता, इसे मालूम नहीं धड़ से धक्का होता है। तुमने देखा मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। वो घर आपका है तो आप इतना उससे डरते क्यों हैं? दास्तां पुरानी है, पहले हम शेर हुआ करते थे, अब गीदड़ बन गए हैं। ए तंबू में बंबू, ये क्या है? बुझी हुई सिगरेट है। तो यहाँ क्या कर रही है? एस्ट्रे रखते नहीं हो तो कहाँ फेंकूंगा? अब तेरे लिए एस्ट्रे लेके आऊ। इतना बड़ा शाना है तू? ये तेरे बाप की झोपड़ी नहीं, SBI मैनेजर वी प्रताप की हवेली है बे। और मैनेजर का मतलब समझता है तू? मैं भी नहीं समझ पाया, लेकिन आज के बाद अगर चूल्हे के अलावा ऐसा धुआं दिखा ना तो तुझे इस धुएं के साथ धुंधला कर दूंगा यहाँ से। ये तो वीर प्रताप द बिगिनिंग थी, आगे देखिए। ये क्या जनाब? बियर बॉटल। बियर बॉटल? अच्छा, मुझे लगा था ये दुद्धू की बॉटल जो तू रात को पीता है। ए! घूरता क्या, घसेड़ दूंगा अबे। उठ ले चल। सच में आपने ऐसा किया? बिल्कुल करना पड़ा, साली की खातिर। उसके दिल में खौफ पैदा करना था इसलिए सब करना पड़ा। कल के दिन उसकी शादी होगी, मुझे उसकी इज्जत की पड़ी, उसे बिल्कुल नहीं पड़ी, इसलिए मैं कंक्लूजन तक पहुंचा और आगे देखो ये हुआ। इतनी देर से आ रहा है, वक्त का पता है तुझे? सिर्फ तीन ही तो बजे। बजाऊं तेरे मुंह पे क्या पूरे तीन है? ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं है कि जब मर्जी आए और गए। कैसा नमाकुल है तू, एक जवान लड़की अंदर है, 3 बजे उठ के तेरे लिए दरवाजा खोलेगी वो। कहाँ जा रहा है तू? अरे छिछोरे कहीं के, बात सुन मेरी, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुझे गोनी में डाल के मारूंगा। तुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं? कानपुर में हड़ताल तो नहीं है? नहीं तो तुझे खर्चा पानी देना पड़ेगा। और इस तरह से उसने मुझे खर्चा पानी दे के मुझसे वीर छीन लिया और सिर्फ प्रताप रहने दिया। इस बात से एक सबक तो मिल गया कि भाड़ोत्री को भाड़ोत्री की तरह रखना चाहिए, नहीं तो वो बाहुबली बन के सर पे तांडव करेगा। जुल्म बर्दाश्त नहीं होता यार, घुटन होती है, बहुत घुटन होती है, आदमी अंदर ही अंदर तड़पता रहता है। आप फिकर मत कीजिए, मैं इसका हल निकाल लूंगा। ऑल द बेस्ट। पूर्णा बहुत पसंद है, उसके साथ डांस करना चाहोगे? गेट रेडी, आज तुम्हारा बर्थडे और तुम यहाँ बैठे हुए अकेले जाम पी रहे हो। सोशल डिस्टेंसिंग है बे। तुमसे कई लोग दोस्ती करना चाहते हैं, पर तुम्हारा रवैया थोड़ा ठीक नहीं है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा खून खराबा इसी में लगे रहते हो। हाँ तो तू ही बता दे कि क्या करूं। इश्क। करके देखो, जिंदगी संवर जाएगी। शैल वी डांस? ऑफ कोर्स बेबी। Let's dance. Come on. शर्माओ मत। आप उनका नाम मत खराब करना। Come on, शर्मा कह रहा है। अबे कल मैंने पड़ोसी के डॉगी की रोटी छीन कर खाया।
बहुत भौंका। तू भौंका की वो मैं। हाय फ्रेंड्स। हाय माधवी। बाय। हे, you're looking gorgeous. Thanks. Let's have a coffee. Coffee? Coffee? हाँ क्यों? Please. माधवी को हाय बोला। खूबसूरत भी का। कॉफी के लिए भी पूछा। एक रात में इतने बदलाव। अरे प्रताप जी कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो। ये रहा पिछले महीने का किराया। मैंने क्या गुनाह किया जिसकी सजा आप पैसे देकर कर रहे हैं? पूर्णा बदल गया है वीर प्रसाद जी, रख लीजिए। काश तुम में ये बदलाव मेरे जाने से पहले आता। पूरी कहाँ जा रहे हैं? अंधेर नगरी। मेरा ट्रांसफर हो गया है। कहाँ हुआ? यहाँ से इस दिशा में 500 किलोमीटर ऊपर और 300 नीचे कोलाड में। अरे मैं तो उसी गाँव का हूँ। कोलाड के हो तुम? तो आप वहाँ रहेंगे कहाँ? इतनी बड़ी हवेली भी नहीं, कोई स्टाफ क्वार्टर्स। मेरे होते हुए आप क्वार्टर्स में रुकेंगे? आप सिर्फ मेरे घर में रहेंगे। तकल्लुफ मत करो। एक सेकंड रुकिए। बड़ा कमरा रखने को। हाँ माँ। बैंक क्वार्टर्स तो एक बहाना है, असली मकसद तो इसके घर के अंदर घुसना है। मैंने ये ट्रांसफर खुद अपने पैसों से कराया है और जो नुकसान इसने मेरा किया है ना, वो माँ कसम मैं इससे वसूल करूँगा। बोलना नहीं इसको। आपके रहने का इंतजाम कर दिया। ठीक है, रह जाऊंगा। मैं इतना कम अकल थोड़ी हूँ जो तुम्हारे इतने अच्छे ऑफर को ठुकरा दूंगा। क्यों, क्या कहते हो? सही कहा ना, तुम्हारा ऑफर सर आंखों पे। फिकर मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आज इंतकाम की आग को ठंडा करेंगे। पलके बिल्कुल मत थकाना। देवा के कुर्गों को आपके सामने काटूंगा। एक बार छोड़ कर देख, मुझे बताता हूँ। जब तक उस देवा के खानदान को खत्म न कर दूं, इंतकाम की आग मेरे सीने में जलती रहेगी। छुट्टियों में मैं गांव जा रहा हूं। तुम क्या इटली वापस जा रहे हो? एक महीने के लिए इटली क्या जाऊंगा, चला जाऊंगा यहीं कहीं आसपास, नागपुर, हैदराबाद, खंडाला, लोनावला वगैरह। तो फिर मेरे गांव चलो। लगता है इसने कभी ना बोलना नहीं सीखा। कुछ तो गड़बड़ है। दोस्त, लगता है तुम्हारे आने की खुशी में आज बड़ी दावत होने वाली है। आजा। प्रणाम पिताजी। यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, बड़ी सावधानी से कहीं भी आना जाना। जी पिताजी, ये मेरा दोस्त जय। नाइस टू मीट यू सर। अरे पागल है क्या, ये विदेश से आया है। चलना अंदर। हाँ। चल। प्रणाम माँ। क्यों रे, अब जाके हमारी याद आई? पढ़ाई में ज्यादा गुम हो गए। अरे नहीं माँ, ये मेरा दोस्त जय है। हाय आंटी। इतने वक्त बाद एक पूरी हिंदुस्तानी फैमिली देख रहा हूँ। काफी लंबा सफर करके आए हो, जाओ जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। ठीक है माँ। चाची कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मेरी चाची। चाची? हाँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि पूर्णा की इतनी खूबसूरत चाची। अनबिलीवेबल।
मेरे ताऊ। हेलो अंकल। अरे भैया। मानसा तू कब आई? मुझे तो एक हफ्ता हो गया है। हा? इतने अच्छे कपड़े खूब जच रहे हैं। मेरा दोस्त जय है, मेरी बहन मानसा ताऊ जी की बेटी है। हाय। व्हाट्स अप? मुझ में बदलाव इसी की वजह से आया है। आजा। चाचा ये मेरा दोस्त जय है। हाय। ये गांव है, बड़ों के साथ यहां अदब से पेश आते हैं। सॉरी डूड। ए इधर आओ, मेरे बाबा और चाचा से फासला बनाए रखना, समझा? चल। जय, मुझे इस बात की गलत फहमी थी कि मैं तुमसे दूर रहकर खुश रहूंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं खुश नहीं थी। हकीकत यह है कि जिंदगी एक ही बार मिलती है मानसा, और उसे मन मार के जिया तो क्या जिया। इस जिंदगी में वो सब कुछ करो जो तुम करना चाहती हो। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। हंसती हुई तुम बेहद खूबसूरत लगती हो। मैं समझती हूँ, लेकिन बाकियों को बदलना नामुमकिन है। वो भी इंसान ही है, अगर कोशिश की जाए तो इंसान बदलते भी हैं। भाई इस कत्ल के पीछे माधव के सिवा किसी का हाथ नहीं हो सकता। उस माधव को ऐसी मौत दूंगा कि कोई इस गांव की ओर देखने की जुर्रत नहीं करेगा। नमस्ते। 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 नमस्कार दद्दू। क्या प्रताप, इतनी देर तक बाहर क्या कर रहे थे? प्रताप नहीं दद्दू, प्रताप। बैंक में पानी नहीं आ रहा था इसलिए हैंडपंप से पहुंचा के आ रहा हूँ। आप मेरा इंतजार कर रहे थे ना? मैं इंतजार नहीं कर रहा था। पड़ोस के गांव वालों को खबर मिली कि तुम मेरे यहाँ ठहरे हो तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। मुझे तो स्वर्ग में जाना है दद्दू। हाँ? नमस्ते दद्दी। जाओ जाकर मुंह हाथ धो लो और खाने के लिए आ जाओ। जियो दद्दी। ओके बाय। ब्रो अब तो सही वक्त देखकर मेरे घर वालों को मेरे प्यार के बारे में इतला कर दे प्लीज। अभी अभी तो प्यार हुआ है, थोड़ा लुत्फ तो ठीक है। नमस्ते सरकार। अरे प्रताप जी ठीक तो है ना? आपको घर पसंद आया ना? हाँ बहुत पसंद आया। प्रताप जी को हमारा घर इतना जचा कि एक साल यहीं रहने की ठान ली है। आराम से रहिए, अरे अपना ही घर समझिए। एक मिनट प्रताप जी। हाय डार्लिंग। डार्लिंग। हेलो प्रताप जी, कैसा चल रहा है? क्या चल रहा है, चला रहे हैं हम लोग और क्या। क्यों ऐसा क्या हुआ? क्या नहीं हुआ ये कहो। गांव में सुबह मुर्गी के बांग से नींद खुलनी चाहिए, कोयल की कुकू और मैना की महमह सुनाई देनी चाहिए, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा ही तो है। खाक ऐसा है यहाँ पे। यहाँ पे तो मार काट, गाली गलौज, तोड़म ताड़ी ऐसा चल रहा है जैसे मुझे गुराहों की सजा मिल रही हो। मुझे पुरानी हवेली की याद आ रही है और पुरानी बीवी की भी, ओनली वाइफ। तो फिर यहाँ क्यों रह रहे हो, घर चले जाओ। वो भी करके देख लिया, लेकिन इन लोगों ने ऐसा मारा कि जगह जगह से सिर्फ आ निकलती है, चारों खाने चित हो चुके हैं। पूछने पे जवाब मिला कि ये हमारे खातिरदारी का एक नायाब तरीका है। उन लोगों ने बहुत मारा बंधु। नमस्ते मालिक। नमस्ते सरकार। हाँ क्यों आए हो? ये पद्मा है मेरी बेटी, इसे 10वीं कक्षा में बहुत ही अच्छे नंबर मिले हैं। इसका इंजीनियर बनने का ख्वाब है। मैं इसके दाखिले के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज गया था, वो डोनेशन मांग रहे हैं अगर आप। मैंने तो कहा था इसे मत पढ़ा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। क्यों रे, झाड़ू बर्तन करने में शर्म आती है? जरा ये तो सोच कि अगर ये लड़की ज्यादा पढ़ लिख गई तो इसकी टक्कर का लड़का ढूंढने में तुझे कितनी मुश्किल होगी। बहुत पढ़ लिया, कल से वक्त पर माँ के साथ खेत में काम करने आ जाना। इस घर में सब उखड़े हुए क्यों रहते हैं? प्यार मोहब्बत इंसानियत से कोई बात ही नहीं करता। मेरा वक्त बर्बाद मत करो, चलो अब जाओ। तेरी ख्वाहिश है कि ये भी मेरी तरह बदल जाए? देखो मैं क्यों बदला, सिर्फ एक लड़की की वजह से, लेकिन इनको बदलना नामुमकिन है। चल। नामुमकिन? तू जानता नहीं है मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है दोस्त।
ये यहाँ किस लिए आई है? शायद पैसे की जरूरत होगी। तेरी यहाँ आने की वजह क्या है? क्या बात है बोल। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मेरे पति ने आपका साथ नहीं छोड़ा। आप ही के कहने पर देवा से उन्होंने दुश्मनी मोल ली और अपनी जान गवा बैठे। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे बेटे का भी यही हश्र हो। मेरा इकलौता बेटा है मालिक, जो अभी नादान है और उसे बिल्कुल समझ नहीं है। वो अपने बाप की तरह आपके साथ जुड़ गया। मुझसे कह रहा था कि वो अपने बाबा के कातिलों का बदला लेगा। मुझे कोई बदला नहीं चाहिए मालिक। वो आपकी बात सुनता है, उसे कहिए कि ऐसा कोई कदम ना उठाए। वो एक मर्द का बच्चा है और इंतकाम सिर्फ मर्द का बच्चा ही ले सकता है। वो इंतकाम जरूर लेगा, चल जा। अगर उसने जान गवा दी तो क्या मैंने उसे इसलिए पाल पोस के बड़ा किया कि वो उम्र भर तुम्हारी गुलामी करे, तुम्हारे लिए अपना खून बहाए? अगर किसी ने मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो उसकी टांगे काट दूंगा मैं। दोबारा इस गेट के अंदर आने की जरूरत ना करना। पुरी, पुरी, बेटा वो तेरा भाई भाजी पुरी कहाँ है? आसपास ही होंगे, देख लीजिए। शहद से जैसे मक्खी चिपकती है बिल्कुल वैसे ही फोन से चिपका रहता है ये। मूड अच्छा है इसीलिए एक ही मारा। अब बताओ जय मेरा भाई कैसे हुआ? भाई का दोस्त भाई होता है ना बेटा। तो दोस्त की बीवी बीवी होगी? वो क्या होती है मुझे नहीं मालूम। फ्लो फ्लो में बोल गया था इस काउंटर का इनकाउंटर हो जाएगा, ये नहीं पता था। इस पूरे घर में सब लोग अजब है और ये गजब है। जय बंधु, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। यहाँ की औरतें साइलेंट नहीं वायलेंट हैं। तोबा तोबा तोबा, जो गुट्टी इसको पिलाई है ना तूने, वो पूरे घर को पिला डाल तू प्लीज मेरे बाप। अरे आपको पता नहीं है, आपकी साली को चारा बनाना पड़ा मुझे, तब जाके ये सुधरा। साली को चारा बना है? मेरी साली चारा और तू बना मछुआरा? नहीं, ये बात नहीं है। ये और आपकी साली एक दूसरे को लव करते हैं। ये साली को लव करता है, ये तू अब बता रहा है? बिल्कुल। ये तो बड़ा खिलाड़ी निकला, मेरी साली को उड़ा ले गया। किसी को खबर हो गई कि वो मेरी साली है तो मैं किस मर्ज की दवा हूँ चाचा? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप मर्ज की नहीं, मेरे हर दर्द की दवा है। जी 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 जी, मैं खेत से आ रही हूँ। फातिमा ने जहर खा लिया है, उसे अस्पताल लेकर गए हैं। माधव ने उसे कई बार समझाया कि उसका बेटा वापस नहीं आने वाला, पर वो समझी नहीं, अब खुद ही भुगते। लेकिन जी जी, चलो हम अस्पताल चलते हैं, आओ। भाई जब पड़ोस के गांव वालों से बदला लेने जाएंगे ना तो मुझे भी साथ ले चलना। ए, वो बोरी को नीचे उतार, चल। ये वाली। आ चल। ठीक है भाई। अरे जल्दी उतार। चल। कहाँ चलूं? किधर ले जा रहा है? इसकी माँ ने जहर खा लिया, वो अस्पताल में भर्ती है। भाई मेरी अम्मी को कुछ नहीं होगा ना, वो ठीक हो जाएंगी ना। उनसे कहना कि तू आज इसी पल से अपने गुजरे हुए बाप के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए जिएगा, वो यकीनन ठीक हो जाएगी। अम्मी, अम्मी आपने ऐसा क्यों किया? अम्मी अम्मी, मैं वादा करता हूँ आपसे, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। मैं इसी वक्त से माधव भैया का साथ छोड़ रहा हूँ, मेरा यकीन करो अम्मी। भाई भाई आप ही अम्मी को समझाइए ना, जैसा अम्मी कहेंगी आज से मैं वैसा ही करूंगा। ये आज से आपके कहे मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। किसी और गांव में जाके इसे पढ़ाइए लिखाइए और एक काबिल इंसान बनाइए। नहीं 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 बेटा, ये पैसे मेरी तरफ से नहीं,
ये पैसे पूर्णा के पिता ने भिजवाए। अम्मी, दिल कर रहा है कि दौड़ के सीधा तुम्हारे पास चले। नमस्ते, मुझे बड़ी जोर से एक बात कहनी थी। मेरे घर में एक ही सेलफोन है। मैं नॉन स्टॉप अपनी बीवी से बात करने के लिए फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कनेक्शन कहीं और लगा हुआ है। ये ऐसा कौन सा मुद्दा है जो खत्म ही नहीं होता? अंकल, फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है, करने दीजिए, आप जाके फोन मांगिए, दे देगा। ठीक है। हुँ? नहीं, जाने दीजिए, लुंगी कस के जाता हूँ, भागने में आसानी होगी। अरे मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें अपनी रानी बना के रखूंगा, सच में। कौन है बे? अब एक सेकंड। वो क्या है कि बहुत दिनों से मैंने अपनी ओनली वाइफ से बात नहीं की है, एक कॉल करने दो। एक सेकंड रुको। माधवी, तुम्हारी बड़ी बहन कैसी है? अरे मैं नहीं, प्रताप जी पूछ रहे हैं। वो दोनों मजे में हैं, तुम्हें बिल्कुल याद नहीं कर रहे हैं। अब जाओ। जाऊं तो जाऊं कहां? हाँ बोलो स्वीटहार्ट। कहना मैं भी सलामत हूँ। हाँ प्रताप जी भी सलामत हैं। हाँ बोल दिया बोल दिया। हाँ जाओ। नहीं छोड़ूंगा तुझे। कहना कि मैं फोन जरूर करूंगा। मालिक, मालिक, क्या हुआ? आज तक मैं ये सोचती आई हूँ कि आप लोगों को किसी और की फिक्र नहीं है, पर आप तो हम जैसे बेबसों का सहारा है, मसीहा है। मेरे पति का कत्ल आपकी वजह से हुआ, बस इसीलिए मैं आपको आज तक बद्दुआएं देती रही। मुझे एहसास हुआ कि आपके बारे में मेरी सोच गलत थी। अब मैं ये दुआ करती हूँ कि आपके परिवार पर कोई मुसीबत ना आए। आपके वजह से मेरी बेटे की जिंदगी सवर जाएगी और मेरे बेटे की कामयाबी के पीछे आप ही का हाथ होगा। आपने इसे नई मंजिल दिखाई है। मेरी बस यही दुआ है कि आपका घर परिवार हमेशा खुशियों से भरा और आबाद रहे। नमस्ते। मैं अपने बाप के कातिलों से बदला लेना चाहता था, लेकिन उस जुनून में मैंने अपनी अम्मी की नाफरमानी की, जिनके पैरों के नीचे जन्नत होती है। अब मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। पहली बार किसी ने हमारे खानदान को दुआएं दी हैं। आज तक हमें सिर्फ बुरा ही समझा जाता था, किसी ने आज हमें भला कहा। मुझे अच्छी तरह पता है इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। मसीहा बनकर तुम गए और आगे हमें कर दिया। अंकल, ये लोग आपके लिए काम करते हैं, उनके परिवार का गुजारा आपके रहमोकरम पर है। अगर एक अनजान आदमी उनकी मदद कर दे तो उसे ज्यादा से ज्यादा क्या दे देंगे? बस उसका शुक्रिया अदा कर देंगे। लेकिन यही काम अगर आप करेंगे तो उनकी नजरों में आपका ओहदा ऊंचा हो जाएगा। जानते हैं गांव वाले अपनी हर परेशानी लेकर आप ही के पास क्यों आते हैं? इसलिए नहीं कि आप रईस हैं, बल्कि इसलिए कि आप इस परिवार के सबसे बड़े हैं। अंकल, ताकत लोगों को दबाने या काबू करने से नहीं आती, आपकी वजह से लोगों को मिली खुशी से आती है। हम तब महान नहीं कहलाते जब हमारे कहने पर लोग अपनी जान लुटाते। हम महान तब कहलाते हैं जब हम उनकी जान बचाएं जो हमारी खातिर जान देने को तैयार हो। हाय जय। हाय। कल जो तुमने किया वो वाकई काबिले तारीफ है। तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सच सच बताना। तुम यहाँ आखिर किस लिए आए हो? मैं इस गांव और इसकी खूबसूरती को देखने आया हूँ। तो ठीक है, मैं खूबसूरती दिखाती हूँ, तैयार हो जाओ अच्छे नजारों के लिए। अब बताओ मुझे, ये नजारा कैसा है? वाह, क्या खूबसूरत जगह है। कितना बढ़िया होता अगर तुम समझ सकते कि मैं किस नजारे की बात कर रही हूँ। यहाँ देखो कितना हरा भरा है ना।
हाँ बहुत अच्छा है। कितने हरे भरे खेत है ना? खेत हाँ 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 वो भी काफी हरे हैं। अगर तुम्हारी आंखों को ठंडक चाहिए तो ये देखकर ठंडक पहुंचा सकते हो। इस नदी के पानी से आंखों को बहुत ठंडक मिलती है। हाँ, गुड। अब इस जगह को देखो कितनी खुली खुली है ना। बस अब इस बंजर जमीन को थोड़े पानी की जरूरत है। अरे तभी तो ये सारे खेत हरे भरे होंगे ना। अच्छा इसके लिए तो हल चलाना पड़ेगा। आज काफी सैर कर ली, बाकी का गांव किसी और दिन देखते हैं। ठीक है। बेटा सुनो, जी मालिक। गाड़ी में बैठो। अब जो भी दाखिले होंगे सिर्फ डोनेशन की बुनियाद पर होंगे। जी सर। आप यहां? आपने क्यों तकलीफ की मुझे हुक्म करते मैं आ गया होता? ये हमारी बच्ची है, इससे कहा था कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, लेकिन इसने हमारी बात नहीं मानी। पूरे जिले में अव्वल आई है। इसकी ख्वाहिश है कि ये तुम्हारी कॉलेज में पढ़े ताकि अपनी जिंदगी में कुछ हासिल कर सके और तुम्हारे कॉलेज का नाम रोशन करे। जनाब एक भी सीट खाली नहीं है, सिर्फ डोनेशन सीट ही बची है। डोनेशन वो मैं कतई नहीं दूंगा। अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं? सुनो किसी भी तरह इसका दाखिला होना चाहिए। आई बात समझ में? देखिए अगर मैं ऐसे ही सीट्स बांटता रहा तो कॉलेज कैसे चलेगा? तालीम को धंधा बना रखा है। शराब की दुकान खोल लो, मोटी रकम कमाओगे। कल से ये यहाँ पढ़ने के लिए आएगी। इसे देखकर दूसरे गरीब बच्चों की भी पढ़ने की ख्वाहिश होगी। बार बार ये समझाने में यहाँ नहीं आऊंगा। बेटा खूब मन लगाकर पढ़ो और इसकी तरह बनो। शुक्रिया मालिक। मानसा के लिए एक लड़का देखा है, लड़का अच्छे खानदान का है, कल वो लोग देखने आएंगे। मुझे अभी ये शादी नहीं करनी, इतनी भी क्या जल्दी है? शादी करना तो हर लड़की का ख्वाब होता है, तुझे तो खुश होना चाहिए। आप तो कुछ बोल दीजिए ना, आप मुझसे प्यार करती है या नहीं करती? मुझे इस शादी के बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझा? इस बात से मैं भी अनजान थी, ये सब तुम्हारे चाचा का फैसला है। जय, तुम्हें पता है जय चाचा ने मेरे लिए रिश्ता देखा है। पता है। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? लड़का सिर्फ तुम्हें देखने आ रहा है, शादी करने नहीं। जो हो रहा है होने दो, बाद में देखते हैं। मेरे रहते घबराओ मत, टेक इट इजी। आइए आइए बैठिए। मेरे बड़े भाई साहब, तुम्हारे होने वाले ससुर। मैं गणपत राव, इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं, कल रात ही 6 लोगों को टपकाया है। अरे प्रताप, कहाँ जा रहे हो? प्रताप नहीं दद्दू, प्रताप, दफ्तर जा रहा हूँ।
आज घर में मेहमान आए हुए हैं, इनसे मिलो। ये गणपत राव जी हैं, मानसा को देखने आए हैं। नमस्कार जी। दोस्तों के साथ आए, मम्मी पापा को साथ नहीं लाए? शादी अपुन को करनी है, अपुन के मम्मी पापा को नहीं। ओ, इसे बहुत गर्मी है। इतना वक्त नहीं अपुन के पास, लड़की को जल्दी बुलाओ, दुश्मन को भनक हो गई तो लफड़ा हो जाएगा। दिखने में ठीक ठाक है, नाम बता। मानसा। नाम भी चल जाएगा, अपन गणपत राव। अब चल जल्दी से कॉफी पिला। दे दो इसे कॉफी। बहुत खूब, इसका गुरु अपन के जैसा ही है। कितनी पढ़ी लिखी है, दस्तखत कर लेती है? फॉरेन से एमएस किया है। मतलब दसवीं भी नहीं पढ़ी क्या? आप लोग कहाँ पाए जाते हो? शांति नगर से। वहाँ रिश्ते के लिए लड़की उपलब्ध नहीं? नहीं। ओह भाई, कहाँ तक पढ़े हैं? एकदम अंगूठा छाप है। फिर भी उनको दसवीं पास लड़की चाहिए? तुझे कोई तकलीफ है? प्रॉब्लम मुझे नहीं, शादी के बाद होगी। अब उनको लड़की जच गई है, तस्वीर कुरियर कर देना, अम्मा को दिखाऊंगा। अम्मा देख के अचार डालेगी, शादी तो इसे करनी है। चलता हूँ जी। देहाती कमार कहीं का, क्या ऐसे नमूनों के लिए मुझे पढ़ाया लिखाया? मम्मी, मम्मी आखिर आप चुप क्यों है, कुछ बोलती क्यों नहीं है? तेरी जो पढ़ने की ख्वाहिश थी उसे मैंने ही पूरा किया है, लेकिन इस घर की औरतों को कोई फैसला लेने का हक नहीं है। लड़का कितना बेहतरीन था ना, लंबा चौड़ा और मूंछों वाला। पसंद है तो खुद ही कर लो ना। इस उम्र हाँ? में ये दुल्हन बनती अच्छी नहीं लगेंगी। ये लीजिए। हेलो 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 हेलो, लड़का पसंद आया? इसे तो पसंद ही नहीं आया। वैसे तुम्हें कैसा लगा? बहुत छगास है, बस नाम में दम नहीं है। नाम में क्या है? गणपत राव, ये भी कोई नाम है? नरसिम्हा राव या बाजीराव होता तो अच्छा होता। लड़का बड़ी गाड़ी में घूमता है, सफेद पोशाक पहनता है, काला चश्मा पहनता है, ओके नो प्रॉब्लम, चला लेंगे। लेकिन उसके साथ में जो आदमी आए थे उन्हें देखा आपने? उससे पता चलता है कि उसके काफी दुश्मन है। फिलहाल तो वो कुंवारा है तो उसी की जान को खतरा है, कल उसकी शादी हो जाएगी तो इसकी जान को भी खतरा हो जाएगा। मान लो किसी दिन दुश्मन ने मौका देख के हमला कर दिया तो क्या होगा? मर जाएगा वो। अरे वो मर भी गया तो परवाह नहीं, एक हफ्ते के लिए मातम मनाएंगे, उसके बाद फिर से काम पे लग जाएंगे। लेकिन अगर वो कहीं अपाहिज हो गया और एक जिंदा लाश बनकर रह गया तो क्या? आपके एक गलत फैसले से आपकी प्यारी शहजादी की जिंदगी बस जहन्नुम बन के रह जाएगी। और कोई प्रॉब्लम नहीं है उस लड़के में, वो लड़का एकदम शानदार है, नो प्रॉब्लम। शुभ मुहूर्त अगले महीने की 17 तारीख को है, पंडित जी ने बताया बहुत अच्छा दिन है। मानसा के इस रिश्ते से मुझे ऐतराज है। मानसा पढ़ी लिखी है, उस लड़के के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। लड़का कम पढ़ा लिखा हो तो भी चलेगा, लेकिन मैं मानसा की जान जोखिम में नहीं डाल सकती, हरगिज नहीं। तुम मानसा की माँ हो, अगर इस रिश्ते से तुम नाखुश हो तो कोई बात नहीं, हम इससे बेहतर लड़का ढूंढेंगे। तेरा उसका चक्कर है क्या? तुझे उसने पप्पी क्यों दी? एक राज की बात बताऊं? हाँ, मैं उसे इटली से जानता हूँ। इसी वजह से यहाँ पे आया? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। यानी उसके भाई को बकरा बना के तुमने अपना उल्लू सीधा किया इस घर में घुसने के लिए? क्या दिमाग है चाचा आपका। खानदानी दिमाग वाले हैं, लेकिन तुम कम नहीं। जो रस्ते में आ रहे उसे लपेट रहे हो, इस बेचारे जिंदा लाश को भी नहीं छोड़ा तुमने। भाई वाह, बड़े शातिर हो मियां। याद रहे, सबको लपेटे में ले लेना, लेकिन इस रईस को छोड़ देना। पहला शिकार आप ही थे। क्या नामाकुल गई का मुंह पे कह रहा है? सुनामी के लपेटे में वो सबको ले रहा है, बाद में मेरा कॉलर मत पकड़ना। आई लव यू टू।
टायर पंक्चर हो गया भाई। ए, जल्दी से कोई मैकेनिक लेके आ। नमस्कार भैया। आगे तक छोड़ दे। आइए। देवा के आदमी आ रहे हैं, चल तेज भगा। चल भगा भगा। आज तू नहीं बचेगा। हर बार तकदीर तेरा साथ नहीं देगी। तो यहां कैसे आया? हेयर कट कराने गया था शहर। बाल बाल बच गए डूड, अगर कहीं पकड़े जाते तो क्या होता? अब हमला करने की बारी हमारी है ना। एक एक को काट डालूंगा। आप कहें तो एक सलाह दूं आपको, वो अब इस ताक में होंगे कि आप उन पर कब हमला करोगे। हम अगर अगले 50-60 साल तक उन पर हमला ही ना करें तो वो बेचारे डर के मारे वैसे ही मर जाएंगे। कैसा लगा आइडिया? बढ़िया है ना। ये चक्की तो 24 घंटे लगातार चलती रहती है। ये चलती है तभी तो रोटी मिलती है खाने के लिए। क्या आप लोग दिन रात किचन में दाल आटा चावल के पीछे लगी रहती हैं? बस नॉन स्टॉप 365 दिन चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। अरे कभी कभी आराम भी कर लिया कीजिए। आराम? तुम तो यहाँ के लोगों को जानते ही हो, दो रोटियों से कुछ नहीं होता, भर भर के खाना खाते हैं। अरे इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दिन रात खाना पकाने के लिए अपनी हड्डियाँ तोड़े। हर रोज आप सुबह उठ के नाश्ता बनाती हैं, उसके बाद दोपहर के खाने में क्या पकाया जाए ये सोचने लगती हैं। दोपहर का खाना पक गया, उसके बाद ठीक उसके बाद शाम के चाय और पकौड़ों की तैयारी में जुट जाती हैं। फिर होती है रात के खाने के लिए सब्जियों से माथा पोड़ी। अगले दिन फिर सुबह उठ के वही कोलू के बैल की तरह शुरू हो जाती हो। ये भी कोई जिंदगी है? 10 साल के बाद पीछे मुड़ के देखोगी तो आपको वही आटा चावल सब्जियां और बर्तन दिखाई देंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं? 1 महीने के लिए इस बावर्ची खाने को ताला लगा दीजिए। और पापा जी के ढाबे से पार्सल मंगवाएंगे, है ना? ढाबे से खाना मंगाना? मेरा मतलब था पिकनिक जाते हैं, घूमते फिरते हैं, थोड़ा मजा मस्ती करते हैं। हाँ, सच में बहुत मजा आएगा। पिकनिक? मैं कोई आपसे एवरेस्ट पे जाने के लिए नहीं कह रहा। शादी के बाद सिर्फ 3 दिन तक तिरुपति जाना हुआ था, तब से यही हूँ। तिरुपति तो गई थी मैं, तो 20 साल पहले टाकीज में 20 साल बाद देखने गई थी। बाप रे, इनके लिए तो गांव से बाहर जाना दुबई जाने जैसा है। चलते हैं ना माँ। काकी काकी मान जाइए ना, सच में बहुत मजा आएगा, मान जाइए ना। अच्छा बाबा ठीक है, तू जाके अपने चाचा से इजाजत ले जा। हाँ ठीक है। प्रताप जी जय, हम सबको 1 महीने के लिए छुट्टी पर लेकर जा रहा है, यू वेलकम टू। इसे बकरी बनाया जा रहा है इसलिए ये ज्यादा चहक रही है। बीस साल से आप इस कुर्सी पर बैठे बैठे थक गए होंगे ना। चलिए अंकल आज बाहर चलते हैं और देखते हैं कि बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है। भाई उसे यकीन के साथ मालूम था कि आप वहां जाएंगे, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ उसने हमला करवाया। चाचा काफी वक्त से हम लोग एक साथ कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं, चलिए ना चाचा किसी पिकनिक के लिए चलते हैं। चाचा प्लीज मान जाइए ना प्लीज। दिमाग खराब है क्या?
ऊपर जाना है क्या तुझे? दोबारा पिकनिक जाने का ख्याल भी आया तो टांगे तोड़ के घर में बिठा दूंगा। दफा हो, जा अंदर, तो मिल जाओ। जल्द से जल्द देवा के खानदान का नामो निशान मिटाना होगा। एक बच्चा भी नहीं बचना चाहिए। हम सब मत्था टेकने के लिए शंकर जी का मंदिर जा रहे हैं। वहां से लौटने के बाद बिरजू काम को अंजाम दे देगा। देवा अपने परिवार के साथ शंकर जी के मंदिर के लिए रवाना हो गया है। काट कर फेंक डालो एक एक को। भाई हमारे आदमियों ने उन सबको ऊपर पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। एक बात गांठ बांध ले, बच्चा बुजुर्ग सबको ऐसी मौत देना कि उनकी रूह भी कांप उठे। अगर एक भी बच गया तो तेरे टुकड़े कर डालूंगा, समझ गया? भाई आप चिंता मत करो, ऐसी मौत दूंगा कि लोग उम्र भर याद रखेंगे। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या हुआ है उसे? भाई फिकर मत करो, बस कुछ ही पलों में देवा का सिर काट के आपके कदमों में डाल दूंगा। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। फोन क्यों नहीं उठा रहा था? जल्दी बता, देवा का पूरा खानदान खत्म कर दिया ना? अबे बोलना, बोलता क्यों नहीं? मेरा परिवार सलामत है। ओ,
भाई भाई क्या हुआ भाई भाई क्या हुआ भाई क्या हुआ आपको बोलो कुछ उनके बचाव के लिए ये नया शख्स कौन आ गया जो भी है खूंखार है भाई चुप कर सलाट ऊपर वाले के करम से हम सब सलामती से घर आ गए नहीं बिल्कुल नहीं उन हैवानों से हमारी हिफाजत सिर्फ जैने की होगी वो अपने किए पर शर्मिंदा है इसीलिए हमसे छुपकर हमारी हिफाजत कर रहा है जिंदगी में पहली बार मैंने आज मानसा को इतना खुश देखा है और वो खुश जय की वजह से है मेरी नजर में तो मानसा की शादी जय से करा देनी चाहिए जय के आने के बाद ये घर खुशियों से भर गया है क्यों ना हम मानसा की शादी जय के साथ करवा दे तो हाँ पापा जय मानसा को हमेशा खुश रखेगा मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती बस इतना जानती हूँ कि जब तुम पास में होते हो दिल खुशी से झूम उठता है तुमने मेरी जिंदगी बदल दी आई लव यू अब तुम ही मेरी जिंदगी हो मानसा मैं तुम्हें हर पल खुश देखना चाहता हूँ और इतना ही नहीं मैं तुम्हारे परिवार को भी खुश देखना चाहता हूँ तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं तुम्हारा खानदान जिस देवा के खून का प्यासा है मैं उसी देवा का बेटा हूं तुम जिस जय को देख रही हो वो एक नया जय है पुराने जय से बिल्कुल अलग वो जय तो कब का खत्म हो चुका है उसकी तो दुनिया ही अलग थी वहाँ येलो फ्लावर्स थोड़े कम लग रहे हैं अनीता यस मैम वहाँ थोड़े फूल ज्यादा लगाना थोड़ा अच्छा रहेगा ओके मैम अशोक जाओ जरा एंट्रेंस की तरफ चेक करके आओ जी मैम ट्यूलिप्स अभी तक नहीं आए जय लाता ही होगा ओके मैम तुम्हारा कुछ अता पता नहीं रहता फूल लाने में इतना वक्त कैसे लग गया मॉम गुलाब और मोगरे के फूल तो मिल जाते हैं पर ये ट्यूलिप के फूल थोड़े मुश्किल से मिले बहाने बनाना कोई तुमसे सीखे अनीता जी ये ट्यूलिप्स लगा दो ओके मैम हाय जय हाय हाय जय हाय हाय गर्ल्स व्हाइट शर्ट में डैशिंग लग रहे हो मैडम शहद पे मधुमक्खियां चिपक रही हैं ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा हां हां एक्सक्यूज मी गर्ल्स अरे तुम लड़कियों से घिरे हुए रहते हो मेरा हाथ छोड़ो हां हां तब फिर से वहीं जाकर खड़े हो जाओ क्या कर रही हो मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूं छोड़ो ना मेरा हाथ बेटे की शादी मुबारक बहुत शुक्रिया ये ठीक है ऐसे रखो बेटा मॉम ये दूल्हे का बाप कुछ ज्यादा नाटक नहीं कर रहा चुप कर ये साफ कर देता हूं मेरी किस्मत अच्छी है मेरे साथ ऐसा करने वाला कोई नहीं है मेरी किस्मत अच्छी है मेरे साथ ऐसा करने वाला कोई नहीं मॉम आप ठीक हैं बताइए मां मुझसे एक खता हो गई मुझे तुमसे ये राज नहीं छुपाना चाहिए था तुमसे पहले ही ये जिक्र कर देना चाहिए था कि तुम्हारे पापा जिंदा हैं जब तुम महज 2 साल के थे तब मैं और तुम्हारे पापा मुंबई में रहा करते थे दिवाली की छुट्टियों में हम तुम्हें लेकर उनके गांव गए उस वक्त आग से रंजिशों की वजह से दोनों गांव में अक्सर खून खराबा हुआ करता था दोनों गांव जहन्नम बन चुके थे हमारी आंखों के सामने ही तुम्हारे दादा का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया आगे।
भैया हमारे हाथ में सिर्फ एक ही लगा है, बाकी सब वहाँ से बच के भाग गए। अगर उस खानदान का एक भी शख्स बच गया तो वो हमसे बदला जरूर लेगा। बेहतर यही होगा कि हम उसके पूरे खानदान को खत्म कर दें। आप बस हुक्म कीजिए। कत्ल मेरे पिता का हुआ, तुम्हारा खून क्यों खौल रहा है? आज हम उनका खून बहाएंगे, कल वो हमारा बहाएंगे, आखिर अंजाम क्या होगा? गांव के हर घर में मौत तांडव करेगी, बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा जाएगा। उनके ख्यालात हमारी तरह नहीं है बिरजू, किसी ना किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी। हमारा परिवार आपके रहमो करम पर पल रहा है, आपको कुछ हो गया तो? तुम्हारा परिवार तुम्हारे सहारे है, सोचो अगर तुम ही ना रहे तो वो कहां जाएंगे? आज के बाद अगर मुझे जरा सी भी भनक लगी कि तुम में से किसी ने भी उन पर हमला किया है, तो एक बात गांठ बांध लेना कि उस वक्त मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अब जाओ। सुनिए। हाँ? अब हम चलें? कहाँ चलना है? वापस अपने घर। ऐसे गर्म माहौल में सबको छोड़कर हम लोग कैसे जा सकते हैं? तुम तो जानती हो यहाँ हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा है। जैसे हम यहाँ से रवाना होंगे यहाँ खून की नदियां बहेंगी। यहाँ रहकर ही मैं इन्हें काबू कर सकता हूँ, इन्हें बदल सकता हूँ। बस इसी बात का खौफ है कि इन हैवानों के बीच में रहकर आप भी इनकी तरह हो जाएंगे। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? आप पर है पर दूसरों पर बिल्कुल नहीं है। इस हालत में मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तो फिर ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। अब तय आपको करना होगा कि आपको गांव के लोग चाहिए या अपना परिवार। तुम्हारी भाभी जाना चाहती है, इसे सही सलामत पहुंचा देना। उस पल से ही मैं तुम्हारे पापा और उस गांव से हमेशा के लिए दूर हो गई। पता है क्यों? क्योंकि उस माहौल में तुम रहो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। गांव वालों की खातिर हमें छोड़ा, यहां तक कि तुमसे मिलने भी नहीं आए। उन्होंने एक बड़ी कुर्बानी दी, वो एक महान हस्ती हैं। मैं उन्हें एक बार मिलना चाहता हूं। सालों से तुझे शादी के लिए तैयार करते करते मैं थक चुकी हूँ, न जाने कब कोई लड़का तुझे पसंद करेगा। उस लड़के के नसीब खुल जाएंगे जिस लड़के की शादी वीना से होगी। बहुत कमाल चल रही है तेरी। वक्त बदल गया है पर इनकी सोच वही की वही है। मुझे मेरी पसंद का लड़का मिल जाए फिर देखना कैसे मैं इन सबकी बोलती बंद कर दूंगी। तेरी सोच की वजह से कोई लड़का घर पर आता ही नहीं, न जाने कौन कमबख्त उन्हें रास्ते से भगाता है। पागल मैं नहीं, वो है, उसने इनकार किया। दीदी खेलो ना। ए चल निकल, भाग यहाँ से। तू औरत ही नहीं है इसलिए शादी से डरती है। इतना बड़ा इल्जाम, मेरा तो जन्म ही शादी के लिए हुआ है। वो क्या है ना कि मेरी तकदीर में कोई शहजादा है। तो इधर आ। हाँ बोल। हीरो नंबर वन लग रहा हूँ ना। आईने में शक्ल देखी है। ये ले पेट से बोल, तेरे लिए ढाप के लाया हूँ। वैसे साल में एक बार हीरो लग जाते हो। ये बात तू ही मेरे जज्बात समझता है, बिना रिश्वत लिए बोल नहीं सकता था क्या? जब देखो अपनी झूठी तारीफ करवाता है। जानता है आज वीना बिटिया को देखने लड़का आ रहा है। आलू मेरे लड़का वीना को देखते ही रिजेक्शन की मोहर लगाएगा, फिर वीना मेरे पैर में रेंगेगी और बोलेगी मैरी मी। मैं बेचारा मोहब्बत का मारा हाँ बोल दूंगा और क्या। तू दुनिया का आखिरी लड़का होगा तब भी तुझसे शादी नहीं करेगी वो। देख बेटा ऐसा कब तक चलेगा, कभी न कभी तो शादी करनी पड़ेगी, आज मना मत करना, तुझे मेरी कसम। मैं आपका दर्द समझती हूँ माँ, मैं मंदिर जाकर मन्नत मांगूंगी,
कि आज कैसे भी मेरा रिश्ता तय हो ही जाए। माँ कसम किसी ने साथ में देखा ना तो मेरी बच्ची कुछ इज्जत भी जाएगी। दिल पे मत ले यार, अगर कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी तू घर का माली है। अच्छा सुन तो, वैसे तो तू बहुत निकम्मा है, पर एक काम कर दे। कर लो बात, इसके प्यार में रामलाल बन गया। चम्मू, तू जानता है ना कि तुझे क्या कहना है? लो जी, तोते की तरह रट गया है। यही तो बोलना है कि 8 महीने बाद तू मेरे शैतान बच्चे की माँ बनने वाली है। तू तो मेरी किडनी है, तेरे लिए तो मैं वाले 4 लड़के याद है ना, तेरा चेहरा देख कर यकीन नहीं कर रहे थे। कितनी मुसीबत से दफा किया उन्हें, सारे समोसे चट करके वो अलग। चल अब जा, आ गया वो। रुक जाना, ये लड़का कमाल का लग रहा है मुझे। अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं, मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगी। मेरी तारीफ के पुल ऐसे बांध के शादी के लिए तैयार हो जाए प्लीज। बाहुबली, देवा के घर जा रहा है क्या? हाँ। ये वही चेहरा है जिसका दीदार करने जा रहा है, लेकिन ये मेरे प्यार में गिरी हुई है। ये कहती है मैंने इससे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। अगर तुम यहाँ से निकल लोगे तो मेरे बच्चों के तुम कटप्पा मामा बनोगे। देवा के घर लड़की देखने जा रहे हो? हाँ। वैसे तुमसे मिलने की लड़की यहीं आ गई। हेलो, वैसे ये यहाँ क्यों आ गई, घर पर मिल लेते। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब अगर तुम यहाँ से लौट जाओ तो इनकी आराम से शादी हो सकती है, बस यही बात समझाने के लिए आए। ये भी आज से गई। हाँ हाँ, जानता हूँ लड़की बहुत खूबसूरत है, इसे ना बोलना बहुत मुश्किल है, पर तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है दोस्त। अबे बहुत जोर से। तुम्हारी तारीफ। मैं देवा जी का बेटा हूं। आओ। भाई साहब, ये कौन है? ये आपका बेटा है। हमारा जय। बेटा, आखिर तुम अपनों से मिलने आ ही गए, मम्मी नहीं आई? उन्हें कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाई। हैं पार्टनर, ये गाड़ी कहीं सुनेली लग रही है। नमस्ते। सारे लोग किस वजह से इकट्ठा हुए हैं? कहीं इसने अपना भांडा तो नहीं फोड़ दिया? ये लोग तो वैसे ही फिराक में रहते हैं, आज मेरे को तोड़ डालेंगे। रुक रुक रुक, इस कांड में जितनी मैं शामिल हूँ उतना तू भी है। अब चुपचाप अंदर चल मेरे साथ। कौन सा कांड रे, तू तो कठपुतली की तरह हमेशा मुझे नचाती है। आज संडे है, आज छोड़ दे। हाय सॉरी आई एम लेट, बाय लागू। अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है, ये अपना जय है। हाँ ये लता दीदी का बेटा है। जय, तुम अब तक जाग रहे हो? जी नींद नहीं आ रही थी। अच्छा, और तुम्हारी माँ कैसी है? वो अच्छी है। ओ, रोज एक ड्रिंक पीता हूं, पिछले 20 सालों से यही मेरा सहारा है। तुम लोग हैं? जी नहीं, आप लीजिए, मैं ठीक हूं। वैसे करते क्या हो तुम? मैं एक आर्किटेक्ट हूं। ओके,
काफी रात हो गई, सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। बेटा चाहो तो यहीं सो जाओ, वो ऊपर वाले कमरे में मच्छर होते हैं। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। गुड नाइट पापा। ताका जाकी क्या कर रही हो? किसी ने उस बेचारे को नाश्ता दिया कि नहीं वो देख रहे। तो क्या नाश्ता अंदर मिलता है? जा जाकर बना। नए कपड़े? हाँ ये जय के लिए हैं। तुम्हें कोई तकलीफ? आज तक मुझे तो नहीं दिलाया आपने नए कपड़े। फरवरी की 31 तारीख को दिला दूंगा, तू अंदर आ। आज कोई खास दिन है क्या पापा? हैप्पी बर्थडे। ओह गॉड, थैंक्स पापा। आज मेरा जन्मदिन है और मैं खुद ही भूल गया। हाँ अच्छा, तो आज तुम्हारा जन्मदिन है। छोटे से देख रही हूँ, आज के दिन हर साल जश्न मनाया जाता है। बेटा जरा मेरा बेटा। नमस्ते शुक्र मालिक। तुम चाहते हो कि 1500 एकड़ की जमीन उसे मिल जाए, तो जमीन के मालिक से जाकर बात करो। आपके अलावा ये काम करने की जरूरत किसी की भी नहीं है, आप बस अपना हिस्सा बोलिए। तुम्हें पता भी है किससे बात कर रहे हो? और तुम जानते हो हम किसके आदमी हैं? माधव भाई, अगर तुम्हें ये मंजूर है तो माधव भाई तुम्हारी जान खैरात में बख्श देंगे। जान लेना बख्शना ऊपर वाले के हाथों में, जो भी हम गरीबों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। आप कहें तो उन्हें भी कुछ दे देंगे। कुछ पैसे? बेचारे किसानों का पैसों से क्या सरोकार, उन्हें तो अपनी जमीन से प्यार है। लंबा सफर तय करके आए हैं, चाय पानी पीकर जाना। इतने सालों से तो तुम खौफ में जी रहे हो शुगर मानो, ये माधव भाई दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। एक बात दिमाग में बिठा ले, अगर माधव भाई की पिनक गई तो तेरे साथ तेरे खानदान का डेथ सर्टिफिकेट छाप डालेंगे। निकल यहाँ से। अरे अरे, काट डालूंगा। अगर तुम्हारे डायलॉग खत्म हो गए हो तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। गांव के 600 परिवार सिर्फ एक आदमी के भरोसे जिंदगी जी रहे हैं। तेरी जरूरत कैसे हुई उन्हें धमकाने की, और वो भी मेरी मौजूदगी में? Oh.
इसे देवा की रहमदिली ही समझ कि मैं आज तुझे यहाँ से जिंदा वापस जाने दे रहा हूँ। 20 वर्षों से जो होता आया है अब से नहीं होगा, जाके बोल दे उसको क्योंकि देवा का बेटा अब वापस आ गया है। काफी अरसों से मैं जो करना चाहता था आज वो तुमने करके दिखा दिया। आज तुमने उन्हें उनकी औकात दिखाकर गांव वालों का हौसला और बुलंद कर दिया है। तुम्हारे दिल में अपने लोगों के लिए जज्बात देखकर मेरा दिल भर आया। माधव भैया को इसकी भनक ना लगे वरना हम में से एक भी नहीं बचेगा। हम अब तक सोचते थे कि देवा एक डरपोक और कायर इंसान है, लेकिन उसके साथ एक ऐसी हस्ती है जो हम सब की बस्ती उजाड़ सकती है। जय, तुम्हारी परवरिश शहर में हुई है, गांव तो पहली बार आना हुआ होगा ना? मजा तो आ रहा है ना? हाँ, अगर मम्मी भी आ जाती तो और मजा आता। आंटी और अंकल को मिलाने का मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तुम्हारी शादी। कोई पसंद है क्या? मतलब? नहीं समझे। गर्लफ्रेंड? एक थी। हा? कॉलेज में। मेरे ख्याल से अब तो उसकी शादी भी हो गई होगी। इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे तो 15-20 बॉयफ्रेंड्स होने के बाद। अरे सॉरी, मतलब मेरे पीछे इतने लड़के दीवाने होके घूमते हैं, आप तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैंने सुना था कि शहर के लड़के काफी तेज होते हैं, पर ये क्या है? मुद्दे पर आते हैं। जरा एक बात बताना कि तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है? अब चूंकि मैं थोड़ा लंबा हूँ तो मेरे हिसाब से कोई नाटी लड़की मिल जाए तो बेहतर होगा। खुद की हाइट 6 फीट की है, लड़की मांग रहे 2 फीट की, ये कोई जोड़ी हुई क्या? लड़की भी तुम्हारे टक्कर की होनी चाहिए वरना सब मजाक उड़ाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं? और क्या खासियत होनी चाहिए? थोड़ी पढ़ी लिखी होगी तो अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा, पढ़ाई का निवाला खाओगे? अगर लड़का लड़की दोनों पढ़े लिखे हुए तो सिर्फ पैसे कमाएंगे, प्यार तो कहीं नहीं रहेगा। लड़की को बस ABCD आनी चाहिए ताकि बच्चे को होमवर्क करा ले, बस। तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? और क्या ख्वाहिश है? छोटे खानदान की इकलौती लड़की होगी तो मेरी माँ की अच्छी खिदमत करेगी। एक नंबर के बेवकूफ हो, अगर इकलौती लड़की हुई तो अपने पति के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचेगी। अगर बड़े परिवार से हुई तो बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार, सबका मान रखना आता होगा उसे। जिंदगी में शादी सिर्फ एक ही बार होती है, और अगर लड़की संस्कारी हो तो परिवार में सबके दिल में वो अपनी जगह बना लेती है। सही कह रही हूँ कि नहीं? वैसे तुम्हारी और शाम की जोड़ी एकदम हीर रांझा के जैसी है, फिर तकलीफ क्या है? क्या कहा? इश्क वो भी उस चंपू शाम के साथ? तौबा करो, ऐसी गफलत में कभी मत रहना। अरे उससे ज्यादा खूबसूरत तो लंगूर होते हैं, एक ही बनियान और लुंगी में अपनी जिंदगी काट रहा है, पता है दिन भर शरीर पर क्या लगाता रहता है, खुशबू की जगह बदबू आती है उसके पास से। अभी अभी मालूम पड़ा है चॉकलेट खाने से दांत सड़ जाते हैं। हमने इनसे जमीन मांगी थी, इन्होंने इनकार कर दिया, अब सजा मिलेगी। पूरी बस्ती को जलाकर राख कर देंगे, कोई माई का लाल बुझा नहीं पाएगा। ए रुक, ए रुक, ए आग क्यों लगाई बे, ए भाग कर आ,
पिछले 20 सालों से मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि हमारी आपसी रंजिश की वजह से गांव और गांव वालों का कोई नुकसान ना होने पाए। इन्होंने अक्सर माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें कामयाब नहीं होने दिया। मैंने इनके कांटों का जवाब फूलों से दिया। अगर कल रात हमारे आदमी उस गांव में नहीं जाते तो पूरा गांव खाक हो जाता। किसानों ने अपनी जमीन का सौदा कर दिया है, हो सकता है शराब के नशे में अपनी बस्ती को खुद आग लगा दी। इन लोगों के घर में कोई नया शख्स आया है, आग लगाने की तरकीब भी उसी की होगी ताकि बीमा कंपनी से मोटी रकम वसूल कर सके। एसपी साहब, इनकी फिजूल की बातों पर भरोसा करके हमें दोबारा यहां मत बुलाइएगा, वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। माफी चाहता हूं देवाजी, मुझे पता है कि बस्ती इन्होंने ही जलाई है, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। सूरज भी दिन में निकलकर शाम होते ही रात की आगोश में खो जाता है। पता नहीं ये सब बातें इनकी कब समझ में आएगी, बस उसी पल का इंतजार है। नमस्ते। भाई, मुझे तो लगा था कि इनके घरों को जलाने के बाद लोग हमसे मुकाबला करेंगे, लेकिन ये तो औरतों की तरह शिकायत करने पुलिस स्टेशन आ गए। आग तो सिर्फ बस्ती में लगाई थी, इरादा तो उसी आग में सबको राख कर डालने का था। तुम इंसान हो या हैवान? मुझे हैवान बोलने की हिम्मत की तुम्हें? स्टेशन में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? छोडूंगा नहीं। क्या तो पीछे भी? छोड़ो मुझे। इट्स माय वार्निंग, इट्स माय लास्ट वार्निंग। जाइए। जय, मैं भी आ रहा हूं। देख लेंगे। मैं वो जंगली हाथी हूँ जो अपने दुश्मन को अपने पैरों से रौंद दिया करता है। अगली बार मेरे गांव की तरफ नजर उठा के भी देखा तो ये सर धड़ से अलग कर दूंगा। भैया, जय, कहां से आ रहे हो बेटा? रामू की बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, हम दोनों साथ में उसे ही देखने गए थे। यहां का माहौल ठीक नहीं है, पता नहीं क्या अनहोनी हो जाए। मैं नहीं चाहता मेरे दुश्मन को यह पता चले कि तुम मेरे बेटे हो, मेरा खून हो। मेरी बात मानो, तुम शहर के लिए रवाना हो जाओ, फिलहाल यही सही है। या जैसे ही सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। जैसा आप कहें बाबा। पता नहीं उस लंबू ने मेरी हीरोइन पे क्या जादू किया, मुझ जैसे हैंडसम को छोड़ के जा रही है। वो तुम्हारी वजह से नहीं जा रही है, जय उसे नौकरी दिलाने वाला है। बोलो, वो क्या कोई बेरोजगार योजना चलाता है? उस लंबू से ज्यादा गॉर्जियस तो मैं हूँ, फिर भी चौकड़ी मार रही है। आज तुझे असलियत बताई देता हूँ, बैठ जा। हा? अरे बैठने बोले ना। छोटू इरशाद, अच्छा बता तेरी हाइट क्या है? वो जूता पहनता है इसलिए मेरे से लंबा लगता है। अरे ओ अकल से पैदल, वो कुर्सी पे बैठ गया तो भी तुझसे लंबा होगा, हाइट में तू फेल है। तो फिर स्माइल? स्माइल का क्या लेने देना है? अरे क्यों नहीं है, स्माइल ही तो सब कुछ है। हंस के दिखा। एक दो दांत सड़े ले, कोई दूसरी तारीफ ढूंढना मेरी। और क्या था? पढ़ाई, तुम्हारी पढ़ाई नहीं छोटे उस्ताद, बैठ जाओ। इसकी पढ़ाई की बात कर रहा था। जाहिल है, नेक्स्ट बताओ। पढ़ाई? बैठ। मेरी एक भी तारीफ नहीं है क्या? उस दिन गोरिल्ला के साथ सेल्फी ली थी, उसमें स्मार्ट कौन था? मैं। तो फिर दोनों की झोली में एक एक पॉइंट आगे। यहाँ पे कोई क्विज कॉम्पिटिशन चल रहा है? तू एक काम कर, लड़की के पास जा और इजहारे मोहब्बत कर दे, आर या पार।
गांव के तमाम घर फूंक डालने के बाद भी देवा मामले को रफा दफा करना चाहता था। उसकी बस ये ख्वाहिश थी कि हम इस रंजिश को खत्म कर दें। लेकिन अचानक ये कौन पैदा हो गया? वो कौन होगा? आखिर कौन है वो? देवा का खून, देवा का बेटा। अब हमें होशियार रहना होगा भाई। वो मारने के इरादे से आया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। मैंने उसकी आंखों में तूफान देखा है। हम चाहकर भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते हैं। वो कहाँ रहता है? वो अपनी माँ के साथ मुंबई में रहता है। बरसों बाद बाप से मिलने आया है। उसका जिंदा रहना हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। जल्द ही उसका काम तमाम करना होगा। जाओ उस मुसीबत को जड़ से खत्म कर दो। मुझे भूल मत जाना। ठीक है। इसके पास कोई काम ही नहीं है। बीना, मैं फरमान लेकर आया हूँ। इतना वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी बकू। जब चांदनी रात में तेरी याद आती है। अब पकाएगा। तब दिल की धड़कन एक ही बात बताती है कि जब तक है जान मैं तीर तू कमान। चाहे तू मेरी बात मान या ना मान, तेरी जुल्फों से झूला झूलने की इस आशिक की तमन्ना है। 31 फरवरी का मुहूर्त है, चलो शादी कर लेते हैं। अब तुमसे दूर नहीं रहा जाता। आई लव यू, आई लव यू, आई लव। देख बेटा, तू अपना ध्यान रखना। I love you, काका। अब तक तो मुझे सिर्फ शक था, पर अब यकीन हो गया। सुधर जाओ। अरे बेटा, जाने से पहले सबसे मिल तो ले। पता नहीं ऐसे देख रहे हो ना, जाने के लिए कितना छटपटा रही है। चलता हूँ पापा। बाय, पहुँच कर खत लिखूंगी। सब अपना ख्याल रखना। इस उम्र में भी आप एकदम परी लगती हैं। प्लीज अपनी खूबसूरती का राज मुझे दे दीजिए ना। शौक से। पहले देखो जय ऑफिस के लिए तैयार हुआ कि नहीं। जाओ। हाँ। वीना। हाँ? क्या गांव में आज भी खून खराबा होता है? कैसा खून खराबा? अब सब लोग एक दूसरे को समझ कर चलते हैं। अब सब लोग प्यार की बोली बोलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आ जाओ। हाय किशोर, ये है वीना। हेलो। और वीना, ये तुम्हारा केबिन। सर, हम वो नई एड बनानी है ना, उसके लिए हम डिस्कशन कर रहे थे। असल में वो। और क्या बात हो रही थी? असल में वो नई है ना यहाँ पर, इसलिए मैं उसे काम समझा रहा था सर। तुम्हें किसने कहा कि वो यहाँ काम सीखने आई है? वो सिर्फ अपने टाइम पास के लिए आई है। बेहतर होगा कि तुम अपने काम पे ध्यान। सर, उसकी बातों में तो जादू है, दिल करते उसे हटू ही नहीं। वो इसी तरह कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस सबसे बातें करती है। अब तुम फैसला कर लो कि तुम एक जानवर हो या पढ़े लिखे इंसान। अब अपने कैबिन में बैठो और काम करो, और उसे डिस्टर्ब मत करना। हम किससे मिल रहा है? हम लोग पास के मोहल्ले से आए हैं, मंदिर का चंदा लेने। फिलहाल मालिक घर पर नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। हम पास के होटल में नाश्ता करके आते हैं। उस पे हमला ये सोचकर करना कि वो बचने ना पाए। अगर वो गलती से बच गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। आज उसकी मुलाकात मौत से होगी। रुको, उसे अंदर जाने दो। मालिक, कुछ लोग मंदिर के लिए चंदा मांगने आए थे, वो पास के होटल में नाश्ता करने गए हैं।
तू गाड़ी निकाल। छोटे मालिक चलो यहाँ से चलते हैं। मेरी बात मानो, वो आस पास ही होगा। सामने क्यों नहीं आता? अगर आपको आपकी जान चाहिए तो गाड़ी में बैठिए। चलिए, उसे हम बाद में देख लेंगे। उसका अकेला सामना नहीं कर सकते आप। यही गाड़ दूंगा उसे। चलिए चलो, आ जाओ अंदर बैठो। चलिए बैठो। उसे खत्म करने 30 लोग गए और सिर्फ 3 ही लौटे। मुझे पता ये कैसे हुआ। पलक झपकते सबको मार दिया। उसे खत्म करना इन बच्चों का खेल नहीं है। उसका सिर काट कर चौराहे पर टंगाऊंगा ताकि और कोई सिर उठाने की हिम्मत ना करे। इन लोगों का बुरा वक्त आ गया है। मैं यहाँ से कट लेता हूँ। हेलो वीना। हेलो, मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं। उन्होंने एक लड़का भी पसंद कर लिया है, लेकिन मैं जय से मोहब्बत करती हूँ। भाई जल्दी बैठो। नमस्ते। वापस मत आना, आ जा। किसी ट्रक को ठोक देना। कुछ भी कहो, लड़का मुझे बहुत पसंद है। एक को चूरन दिया, दूसरा आ गया। बैड लक इज खराब है। बेटा, मैंने वीना का रिश्ता तय कर दिया है। वीना तुम्हारा होने वाला दूल्हा अमेरिका में नौकरी करता है। शादी के बाद तो तुम भी वहीं रहोगी। अपनी जिंदगी खुशी से जीना। अंकल, खुशी इस बात से जाहिर नहीं होगी कि लड़का अमेरिका रहता है या कहीं और। उसे असली खुशी तब मिलेगी जब उसे अपने मन मुताबिक लड़का मिलेगा। शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है जो कुछ पल के बाद खत्म हो जाए। ये एक ऐसा बंधन है जिसमें लड़की को अपनी जिंदगी एक अनजान के साथ गुजारनी होती है। वीना बेहद ही प्यारी लड़की है, करोड़ों में एक। वो खुश तब रहेगी जब वो किसी ऐसे लड़के से शादी करे जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हो। बेटा, हमारी भी ख्वाहिश है कि वीना हमेशा खुश रहे, लेकिन आज के माहौल में ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? तुम किसी को जानते हो तो बताओ। वीना, मुझे सिर्फ एक मौका दो, तुम्हें अपने दिल में बिठा कर रखूंगा। कैसी हो लता? मैं ठीक हूँ लक्ष्मी। कैसे हैं आप? मैं ये सोचकर जुदा हुई थी कि इन हैवानों के साथ रहकर आप भी इन्हीं की तरह हो जाएंगे। आपने उस गुनाह की सजा भुगती जो गुनाह आपसे कभी हुआ ही नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए। भले ही मैं आपसे दूर रही, लेकिन मैंने आपके बेटे को बिल्कुल आप ही की तरह बनाया है। उसे मोहब्बत लुटाना सिखाया है, बिल्कुल आपका हमसाया है। अगर आप चाहें तो मुझे सजा दे सकते हैं। भैया, उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। उन सब के सिर काट के उनके खून से आपके पैर का अभिषेक करूंगा। करीम भाई है? अरे खाना खा के तो जाओ। Thank you.
अरे क्या हुआ? हाँ? बोलो ना। आइए, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। मैं आपसे एक खास बात करने आया हूँ। जिस खून खराबे को आपने रोकने की कोशिश की है, वही दहशत अब दोबारा शुरू हो गई है। इसे अंजाम दिया है आपके बेटे जय ने। मुझे डर है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मेरी सलाह है कि आप होशियार रहें। अच्छा तो मैं चलता हूं। जजमान, जाकर शादी के वस्त्र पहनकर आइए। हम अंदर पहुंच चुके हैं भैया। पहले उसके परिवार को मारेंगे और बाद में उसे। उसके जिंदा रहते हुए उसके परिवार को छूना नामुमकिन है। सबसे पहले उसका सर धड़ से अलग कर दो। एए, चलो हथियार उठाओ। क्या कर रहे हैं? मां की मौत के लिए जिम्मेदार एक भी शख्स जिंदा नहीं बचेगा। अपने उसूलों और आदर्शों की जो दीवार आपने खड़ी की है, आज उसे तोड़ दीजिए पापा। जिस बीमारी का बरसों पहले इलाज हो जाना चाहिए था, आज मैं उसे जड़ से उखाड़ दूंगा। भैया आज कुछ मत बोलिए, आप अंदर जाइए। मालिक, बरसों पहले आपने हमें रोक दिया था, मेहरबानी करके आज हमें मत रोकिए। आप छोटे मालिक का कहा मान लीजिए। मालकिन के खून का बदला महादेव के पूरे खानदान को मिटा कर लेंगे। कौन सा गुनाह किया था जो तुझ जैसा बेटा पैदा हो? तेरी माँ तेरे साथ मुझसे अलग हो गई ताकि इस गंदे माहौल का साया तुझ पर ना पड़े, और गांव की भलाई के लिए मैंने तुम लोगों की जुदाई सह ली, लेकिन तूने अपनी हरकतों से सब तबाह कर दिया। तेरी माँ का ख्वाब था कि तेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही हो, लेकिन तूने उसका ख्वाब पूरा नहीं किया। इस खून खराबे की वजह से वो यहां से गई थी, तूने यहां आकर उसी को दोहराया और उसी की शिकार आज तेरी मां बन गई। पता होता तेरे आने से ऐसे खून की नदियां बहेंगी तो मैं तुझे यहां कतई नहीं आने देता। अगर मुझे पता होता कि तेरे आने से लता की जान चली जाएगी तो मैं तुझे इस दुनिया में आने ही नहीं देता। लता के बदले अगर तुझे खोना पड़ता तो मुझे गम नहीं होता। चला जा यहां से बहुत दूर, और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरी चिता को मुखाग्नि देने भी तुझे आने की जरूरत नहीं है। छोटे मालिक रुक जाइए, मत जाइए। रुक जाओ। जाने दो बेटा, जिसने अपने गुस्से के लिए अपनी मां की परवाह नहीं की वो तुम्हारी क्या परवाह करेगा। मैं नहीं चाहता कि कल तुम्हारा भी हाल इसकी मां जैसा हो। जाने दो इसे। ओ
मेरे पापा के लफ्ज उस दिन मुझे तीर की तरह चुभे थे, पर उन्होंने हकीकत ही बयां की थी। मेरे वहां जाने से माहौल बिगड़ गया, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा आम हो गए। इसीलिए मैं गांव छोड़ के इटली चला गया। सोचा मेरे जाने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत था। हालात बद से बदतर होते चले गए। समझ नहीं आ रहा था कि इस खून खराबे को कैसे रोका जाए। तभी एक दिन मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तुमसे मिलने के बाद एहसास हुआ कि तुम्हारे गांव का माहौल भी मेरे गांव से कुछ अलग नहीं है। वहां भी लोग खून के प्यासे हैं। उसके बाद मैंने यहां आने का इरादा किया और यहां आके सबको बदलने की कोशिश की। अगर आज मेरा परिवार इतना खुश है तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो जाए। मुझ पर एक एहसान करोगे, तुम यहां से चले जाओ जाए। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। अगर किसी को भनक भी लगी कि तुम देवा के बेटे हो तो ये लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। मैं जिस इरादे से यहाँ आया था उसे पूरा करके ही जाऊंगा। बेटा जय, मुझे नहीं पता कि तू यहाँ किस इरादे से आया है, लेकिन हम सब की ये ख्वाहिश है कि तू इस घर का दामाद बने। हमारी बेटी मानसा में हमारा खून है लेकिन गुण नहीं। इसे सही गलत की पहचान है। अगर तुम्हें यह रिश्ता मंजूर हो तो अपने घर वालों से बात करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। यस 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 यस, तुमने कर दिखाया मियां। तुमने है सबको लपेटे में लिया और जो चाहा था वो हासिल किया। अब शहजादी हुई तुम्हारी। ये मुमकिन नहीं है प्रताप जी। आखिर क्यों? क्योंकि मैं उनके दुश्मन देवा का बेटा हूं। बे गाड़ी रोक। यह किन ख्यालों में खोया हुआ है? जो तू चाहता था आखिर तूने वो हासिल तो कर लिया। मानसा की शादी में उस शख्स से करवाना चाहता था जिसका खून गरम हो और वो दुश्मन को अपने पैरों की धूल समझता हो। लेकिन तू तो समझौता करना चाहता है। कुछ पल के लिए क्यों ना हम मानसा को भूल जाएं? वो क्या कह रहे थे आप, दुश्मन से बदला? जरा समझाएंगे आप? मुझे उस शख्स से सख्त नफरत है जो खुद की हिफाजत नहीं कर सकता। मर्द वो होता है जो अपनी आन के लिए अपनी जान को भी दांव पे लगा दे। समझा? असली मर्द किसी हथियार का मोहताज नहीं होता, उसका हाथ ही एक जानलेवा हथियार होता है। उधर देख, मर्दों की फौज। मासूमों की जान लेने को आप मर्दानगी कहते हो? अरे ये कौन से बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हैं आप? ये कायरों का काम होता है। असली मर्द वो होता है जो अपने दुश्मन से भी हाथ मिलाए, और इसके लिए चाहिए जिगर। अच्छा ऐसा है क्या? हैं? चल दिखा फिर। देखा, जब से बड़ी बड़ी हांक रहा था, शक्ल तो देखो, मर्दानगी की बात की तो ठंडा पड़ गया। तूने दुश्मन से हाथ मिलाने का मशवरा दिया, मैंने तेरा मशवरा मान लिया। लेकिन जिस मर्दानगी का मैंने जिक्र किया वो तुझ में है क्या? इसको धूल चटा देना। Oh!
आपने जो कहा वो मैंने करके दिखाया, अब जो मैंने कहा है वो करके दिखाइए। न जाने मेरे सारे बंदे कब तक ठीक होंगे, हो सकता है कुछ उम्र भर ठीक ना हो, लेकिन तू मेरी नजरों में छा गया, मुझे तुझ जैसे शेर की ही तलाश थी। जुबान देता हूं कि मानसा सिर्फ तेरी होगी, बस मेरा एक काम कर दे। उस गांव के अंदर मेरा एक जानी दुश्मन है जिसकी मौत मेरे इंतकाम को पूरा करेगी, उसे खत्म करके मेरे सीने की आग ठंडी कर दे। उम्र भर तेरे कदमों में पड़ा रहूंगा। तुम सुधरोगे नहीं, तुम्हारी फितरत ही ऐसी है। वो शख्स जिसने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसने तुम्हारी रातों की नींद हराम कर दी, वो कब का मर चुका है, वो बदल गया है। वो ना आप किसी पे हाथ उठाता है, ना ही किसी पे पलटवार करता है, बस वो प्यार करना जानता है। नफरत वो भूल चुका है, उसे सिर्फ प्यार लुटाना आता है, और वही प्यार लेके वो तुम्हारे पास आया है, और वो तुम्हारी नजरों के सामने खड़ा है। जिस दुश्मन को मैं ढूंढता फिर रहा था वो तू है। चल, चाचा, चाचा सुनिए, इजाद, चल। चाचा रुक जाइए, छोड़िए मुझे। ये तू क्या कर रहा है माधव? पूछ रहा है तो इससे पूछे कि ये यहां कैसे आया। हमारा दुश्मन है ये। जिसे हम परिवार में शामिल करने की सोच रहे थे, वो तो हमारा पूरा परिवार ही खत्म करने आया था। बड़े पापा प्लीज, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे? उन्हें रोकिए ना प्लीज। न जाने तूने हमारे परिवार के कितने ही लोगों को मौत की नींद सुला दिया। भैया भैया, आप उन्हें रोकिए ना प्लीज। तुझे खत्म करने के बाद मैं तेरे बाप को भी तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अगर मैं पुराने जय में तब्दील हो गया तो इस गांव का एक भी शख्स जिंदा नहीं बचेगा। तूने मेरी मां का कत्ल किया, फिर भी मैं तेरे परिवार के लिए प्यार का फरमान लेके आया। तूने मुझे मेरे पापा से जुदा किया, मेरे प्यार से जुदा किया, फिर भी मैं तेरे पास प्यार की सौगात लाया। लेकिन कब तक लोग तेरे जुल्मों को सहेंगे? मैंने अपने बदले की आग को भूलकर उस गांव को छोड़ा ताकि वहां शांति रहे, लेकिन तुझे ये मंजूर नहीं। Oh!
अगर मैंने ये तलवार चलाई तो हर तरफ खून बहेगा और आखिर में बचेगी तो सिर्फ ये तलवार और लाशों का ढेर। ये खून खराबा छोड़ो और प्यार करो। प्यार दोगे तभी तो दुनिया से तुम्हें प्यार मिलेगा। अब भी अगर तुझे लगता है कि मुझे मारने से ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो उठा तलवार। माधव, यह हमारा बंदा नहीं है ना, यह हमारा दुश्मन है। यह हमें खत्म करने आया था, फिर इसने तेरी हिफाजत उस वक्त क्यों की जब देवा के आदमी तेरा कत्ल कर देना चाहते थे? आज तक सारा गांव इस घर के लोगों से डरता आया है, उनसे खौफ खाता आया है। कभी कोई ऐसा शख्स देखा जो डर से नहीं बल्कि प्यार से हमारी इज्जत करता हो? दुश्मन का बेटा होने के बावजूद इसने हमारी इज्जत की, इसके लिए इसे मार डालें? आपका कहना सच है, जय हमारा दुश्मन है, बिना खौफ हमारे साथ रहा। इसे ना हमारी जान से मतलब है और ना ही हमारी जायदाद से। इसे सिर्फ एक चीज चाहिए, प्यार, सिर्फ प्यार चाहिए। क्या हम खुद को बदल कर इसे प्यार नहीं दे सकते? दुश्मन के घर में रहने के बावजूद इसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। ये कोई आम इंसान नहीं, ये अमन का फरिश्ता है। जिस राह से हम भटक गए हैं इसने हमें वो राह दिखा दी। ये सच में फरिश्ता है, फरिश्ता है ये। सिर्फ उसी गांव में नहीं, इस गांव में भी एक मर्द है। ये क्या कर रहे हैं पापा? जो ख्वाब मैंने देखा था आज तुमने उसे हकीकत में बदल दिया बेटा। तुमने वो कर दिखाया जो इतने सालों से मैं करना चाहता था। मुझे तुझ पे बहुत गर्व है बेटा। मैंने तो यही सोचा था कि अगर हम लड़ाई छोड़ दें तो ये भी खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। लेकिन मेरी सोच गलत थी। इंसान को हालात के साथ बदलना पड़ता है, जो तूने कर दिखाया। नफरत को प्यार से कैसे जीता जाए वो तो कोई तुझसे सीखे बेटा। तू वाकई महान है। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? तेरी मोहब्बत तेरा इंतजार कर रही है, उसे और इंतजार मत करवा, जा बेटा। अब भी लड़के वालों को भगाने का इरादा है क्या? अब ज्यादा ड्रामा मत करो, जल्दी बोलो मुझसे शादी करोगी या नहीं? हुँ?